ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी डॉक्टर सुमित पांडे। तो पिछले कई दिनों से हम एक बहुत बड़ी इमारत का निर्माण कर रहे थे जिसका नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आज उस इमारत का लास्ट जो है हमारा क्या है बताइए, लास्ट पत्थर लगेगा और बिल्डिंग जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। क्या है? लास्ट लेक्चर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इम्पॉर्टेंट तो सारे लेक्चर थे, लेकिन ये एक लेक्चर ऐसा है जिससे हम अपना डे टू डे डेली लाइफ को कनेक्ट कर पाएंगे। कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? ये जितनी चीज़ें हम आपके स्क्रीन पर लगी हुए हैं, इनमें से शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जिससे आप फैमिलियर ना हो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप में से इनमें से किसी चीज़ का सेवन किया होगा, बट कहीं ना कहीं हमने ये सब देखा होगा। हमने नशों के बारे में अगर बात करें तो फिल्मों में सुना है, मूवीज़ में सुना है, ड्रग कार्टर्स होते हैं, ड्रग पेडलर्स होते हैं, ड्रग्स के धंधे होते हैं। एक बहुत ही फेमस मूवी बनी जिसका नाम था उड़ता पंजाब। अगर हम विस्की, रम, वोडका, टकीला, शराब की बात करें तो बहुत सारे लोग टीवी पर इसका एडवर्टीजमेंट करते दिख जाते हैं। बहुत सारे वाइन शॉप्स होते हैं, कई लोगों के घरों में सेवन होता है। मींस इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमें ना देखा हो। अगर हम इस कफ सिरप की बात करें तो मेडिकल स्टोर पर किसी भी जगह आइए, आपको कोडीन के कफ सिरप मिल जाएंगे, आपको एंटी एलर्जिक कफ सिरप मिल जाएंगे, आपको खांसी के कफ सिरप मिल जाएंगे। हाँ, अगर मेरे को इस स्क्रीन पर अगर कुछ लोग आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे तो शायद एक इस पिक्चर को देख के सरप्राइज हो रहे होंगे कि कोई लड़की नशा कैसे कर सकती है। लेकिन बड़े शहरों में जाइए, बड़ी पार्टीज देखिए, उसमें ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। बहुत सारी लड़कियां इतना ड्रिंक करेंगी, इतना स्मोक करेंगी कि आपके शहर के, मतलब जिसे हिंदी में कहना, बहुत बड़े ड्रंकर स्मोकर भी उनसे पीछे हो जाएंगे। तो लड़कियाँ भी ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, इसमें कोई भी टैबू वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट पेज, जिसका हमारा टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ओके, तो वन बाई वन हम चीज़ों को जानेंगे और फिर आगे की क्लास शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है कि यूज़ और अब्यूज़ में डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ इस्तेमाल है और क्या चीज़ गलत इस्तेमाल है। अगर कोई चीज़ सही हाथों में है तो उसका क्या होगा? सही इस्तेमाल होगा। अगर कोई चीज़ गलत हाथों में है तो उसका क्या हो जाएगा? गलत इस्तेमाल होगा। तो यूज़ और अब्यूज़ को समझाने के लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे मिला है, मैंने लिया किसका? मैंने लिया वेपन का। किसका लिया? वेपन का। वेपन यानी कि हथियार। अब यही वेपन्स अगर किसी मिलिट्री पर्सन के, किसी आर्मी ऑफिसर के हाथ में जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो उसका यूज़ करेंगे। किससे? दुश्मनों को लड़ने के लिए, हर उस आदमी जो उनके देश को नुकसान पहुंचाए उनसे लड़ने के लिए। बट यही वेपन्स अगर किसी गलत आदमी के हाथ में आ जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेक ऑफ हैप्पीनेस के लिए इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बना हुआ है बैंडिट क्वीन का, जिन्होंने हाथ में गन ले रखी और अपनी क्या किया, चीज़ों को मनवाया, अपनी शर्तों को मनवाया। तो यूज़ एंड मिसयूज़ हमारा अगर वेपन के तौर पर समझ में आया। चलिए अगर बात करें मेडिसिंस की, किसकी बात करें? मेडिसिंस की। ठीक, एक यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेंगे, बहुत खूबसूरत, आपको पसंद आएगा। सपोज एक मैंने कंडीशन ली जिसका नाम है MTP। MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इफ आई टॉक अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ वेरी सीरियस केस, बट इट इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन सम केसेस। बट इफ अ पर्सन इज हैविंग एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर, एनी प्रॉब्लम, देर इज अ रेप और मिस यूज, देन डॉक्टर्स एडवाइस फॉर द MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसीज का प्रोसीजर या फिर वो जो किट है वो किसी यूजफुल हाथ में है तो वो जायज़ कामों में इस्तेमाल होंगी। कि अगर रेप का केस है, अब सेक्सुअल अब्यूज़ का केस है, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर किसी वुमेन का जो यूट्रस है वो प्रॉपर तरीके से हमारा रेडी नहीं है बेबी को बर्थ देने के लिए, तो डॉक्टर उन MTP पिल्स का यूज़ करके क्या करेंगे? अबॉर्ट कर देंगे। बट अगर यही मेडिसिन जो हैं वो गलत जगह पे चली जाए, तो जो प्रोस्टिट्यूशन हब्स होता है जहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है, उसमें क्या होता है, लड़कियाँ बार बार प्रेगनेंट होती हैं और उन दवाइयों का इस्तेमाल करके, तो ये यूज़ हुआ कि मिसयूज़ हुआ? जाहिर सी बात है ये क्या हुआ, हमारा मिसयूज़ हुआ। तो यूज़ और मिसयूज़ समझाने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर कोई चीज़ गलत हाथों में है तो उसका क्या करेगी? मिसयूज़ करेगी। कोई चीज़ अगर सही हाथों में है तो वो क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। चाहे वो वेपन्स हो, मेडिसिन हो, हमारी डे टू डे लाइफ में हो, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ किसके हाथ में है। अगर छोटा सा एग्जांपल, चलिए डेली लाइफ में ले लेते हैं, अगर बेलन है तो बेलन का यूज़ अगर हो रहा है तो खाना बनेगा, अगर बेलन का मिसयूज़ हो रहा है तो पिटाई हो जाएगी। ठीक, तो क्या आपको यूज़ और मिसयूज़ समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 3। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ। बहुत सारे लोग ड्रग का नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे कौन सी ड्रग्स की बात करेंगे, चरस, गांजा, ऐसा तो नहीं ना। ड्रग मींस हम दवाइयों के बारे में बात करेंगे
और कौन कौन से कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, किन दवाइयों के बारे में बात करेंगे, वो हमारा यहाँ पे मेंशन है। हम किसके बारे में बात करेंगे, हम सीडेटिव्स के बारे में बात करेंगे, हम ओपॉइड्स के बारे में बात करेंगे, हम स्टिमुलेंट्स के बारे में बात करेंगे और हेलुसिनोशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक बातें अभी तक करी गई हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हम किन दवाइयों को पढ़ने वाले हैं। ठीक, सीडेटिव, ओपॉइड, स्टिमुलेंट और हेलुसिनोजेंस। देखिए, कहते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको वरदान है। वैसे मैं बायो का टीचर हूँ, लेकिन केमिस्ट्री को बात करूँगा कि केमिस्ट्री के अगर सही यूज़ किया जाए तो हमारे बहुत सारी ड्रग्स बन सकती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बन सकती हैं, बहुत सारे कैंसर क्योर करने की मेडिसिन बन सकती हैं। बट वही क्या कहते हैं, अगर केमिस्ट्री का मिसयूज़ किया जाए तो बहुत बहुत हाई ग्रेड के प्रीमियम क्वालिटी के नशे बन सकते हैं। मींस जैसे कोई लीव्स है, उसमें से अगर उसका नशे का पदार्थ को एक्सट्रैक्ट करना हो तो एक ऐसा आदमी चाहेगा जिसको केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज हो। ठीक, अल्कोहल का एस्टेनाइडेशन बढ़ाना हो, अगर देशी शराब बनती है और अंग्रेजी शराब बनती है, यहाँ पे भी केमिस्ट्री का बहुत अच्छा रोल आता है। जो बॉम्ब बने, एटॉमिक बॉम्ब बने, बड़े बड़े बॉम्ब बने, न्यूक्लियर बॉम्ब बने, तो यहाँ भी केमिस्ट्री का यूज़ है। तो केमिस्ट्री भी अगर सही हाथों में है तो क्या है, यूज़ है, और गलत हाथों में है तो फिर मिसयूज़ है। यूज़ मिसयूज़ का कंसेप्ट जो है वो बार बार हमारे इस चैप्टर में आता रहेगा, चाहे हम ड्रग्स की बात करें, हम मेडिसिन की बात करें, हम अल्कोहल की बात करें, हम स्मोकिंग की बात करें। स्मोकिंग की जब बात करेंगे तो हम आपको एक चीज़ और बताएंगे जिसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ, उनके यार, उनके दोस्त जो हैं वो स्मोक करते हैं, और वो उस सोसाइटी में, उस कल्चर में, उस माहौल में बस बने रहते हैं, बैठे रहते हैं। साथ ही साथ अगर एक लेबोरेटरी रिपोर्ट कराई जाए तो उनके अंदर भी कई सारे हार्मफुल सब्सटेंस पाए जाएंगे जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं या फिर उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारा ग्रुप भी रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए कि हम डिजीज़ से इफ़ेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। अब वन बाई वन सारी दवाइयों को पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए की अट्रैक्टर्स की बात करें कि मींस आज के लेक्चर में हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक हम अपना पूरा रोड मैप बनाएंगे, हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि कौन कौन से चीज़ हैं जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम अगर मूवी देखने जाते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि मूवी में एक्टर कौन है, विलन कौन है, फिल्म कौन सी है, उसका कॉस्ट कितना है। तो आज के जो हमारे लेक्चर्स का की अट्रैक्टर्स होने वाला है कि हम किन चीज़ों को पढ़ेंगे, चलिए वन बाय वन उनको जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ड्रग्स के बारे में कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी ओवरडोज हो जाएगी तो पर्सन को हार्मफुल हो जाएगा। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शनल बेस्ड मेडिसिन है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी होंगी तो ही मेडिसिन मिलेगी। आपको प्रिस्क्रिप्शन का फोटो लेके जाना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर पे दिखाना पड़ेगा। कुछ दवाइयाँ इतनी सीरियस होती हैं जिनको क्या करते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैन करके रख भी लेते हैं कि ये पेशेंट था, इस डॉक्टर का रेफरेंस था और इसलिए हमने मेडिसिन ली। नेक्स्ट हमारा ड्रग्स, अगर हम ले रहे हैं तो ड्रग्स का यूज़ क्यों है, आखिर हम क्यों दवाई को खा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, हमको एलर्जी है, हमें कैंसर है, एड्स है, या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें हमें इन दवाइयों को दिया जा रहा है। अगर यूज़ जान लिया तो सोसाइटी में जो लोग हैं वो उसका मिसयूज़ कैसे करते हैं, मिसयूज़ कैसे करेंगे। अगर किसी दवाई का यूज़ हो रहा है, सपोज अगर सोसाइटी में कोई स्लीपिंग पिल है, ठीक, तो वो तो यूज़ होती है ना, कि घर में कोई बूढ़े दादाजी हैं, अंकल जी हैं, बहुत सारी दवाई आती है, जोलपिडम आता है, एल्पॉक्स आता है, इस तरह की मेडिसिन आती हैं कि ये क्या करेंगे, ये तो खा के रिलैक्स करेंगे, सो जाएंगे। बट मिसयूज़ कैसे हो रहा है, मिसयूज़ ऐसे हो रहा है कि घर में कोई झगड़ा हो गया, फाइट हो गई, और किसी ने अजाने अनजाने में गुस्से में बहुत सारी दवाइयों को उठाया, सेवन किया और अटेम्प्ट टू सुसाइड किया, तो ये क्या हो गया, मिसयूज़ हो गया। अब इसी बात से दो चीज़ें कनेक्टेड निकल के आई कि बहुत सारी दवाई खा ली, कितनी दवाई खा ली, मीन्स वो हमारा किस में आ जाएगा, डोज में। जब भी आप MBBS सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम होता है फार्मेकोलॉजी। क्या नाम होता है, फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी इज नथिंग, इज जस्ट अ स्टडी ऑफ मेडिसिन, इसमें मेडिसिन पढ़ते हैं। तो बार बार एक क्वेश्चन आता है कि ड्रग की डोज बताओ कि कितनी डोज देंगे। अगर डोज है कि भाई पेशेंट को क्या कहते हैं 500 mg मेडिसिन लेना है, ठीक, और इसमें उसको नींद आ जाएगी, सपोज एक स्लीपिंग पिल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया हेल्दी डोज कि इतना अगर खा ले तो उसको आराम मिलेगा। बट मिसयूज़ करने वाले क्या करेंगे, इसी 500 को 1500 कर देंगे, तो ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। तो डोज ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो इफ़ेक्ट करेगी या फिर साइड इफ़ेक्ट कर जाएगी, वो यूज़ में
हो रहा है या फिर मिसयूज़ में हो रहा है, और उसके पीछे एक और रीज़न है जिसे कहते हैं साइकोलॉजी। क्या? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की इंसान की जो मानसिकता है वो क्या कहते हैं, उसका पीछे उसके पर्पस क्या है। टाइप्स की बात करें, किन टाइप्स की हम बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे सीडेटिव्स के बारे में, स्टिमुलेंट्स के बारे में, ओपिओइड्स के बारे में, और हेलुसिनेटिंग ड्रग्स के बारे में, हेलुसिनेशन के बारे में। लोगों को वहम हो जाता है, जो है वो नहीं दिखता है, जो नहीं है वो दिखने लगता है, सांप रस्सी लगने लगता है, छोटा सा नींबू फुटबॉल लगने लगता है, अलग अलग तरीके की बीमारियाँ आ जाती हैं। और एक इमरान हाशमी की मूवी भी आई थी, हमारी अधूरी कहानी, ऐसे करके विद्या बालन के साथ, उसमें इसको ये प्रॉब्लम थी हेलुसिनेशन की, जो नहीं होता है वो दिखने लगता है। लास्ट मूवी में लव एंगल वगैरह दे दिया गया था, लेकिन ये एक बीमारी थी। एडोलसेंस एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, जिसे कहते हैं हिंदी में बोले तो युवा अवस्था, कई लोग उसको जवानी बोलते हैं, कई लोग उसको टीनेज बोलते हैं, लेकिन एडोलसेंस है क्या? एक ऐसी एज जिसमें ना तो आप मैच्योर हैं ना तो आप चाइल्ड हैं, बीच का टाइम। अगर हम बात करें एडोलसेंस की, तो एडोलसेंस एक ऐसी एज है जिसमें ना तो आप चाइल्ड हैं ना तो आप मैच्योर हैं। तो सी और एम के बीच में क्या निकल के आएगा? टी, यानी कि टीनेज कह सकते हैं, 13 से 19, एक ऐसी एज जिसमें बच्चा ना तो डिसीजन ले पाएगा, लेकिन वो बार बार क्या करेगा, वो डिसीजंस को लेना चाहेगा कि नहीं अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम एडोलसेंस में आ गए, अब हम गाड़ी चला सकते हैं, अब हम बाइक चला सकते हैं। बट डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए उस एज में क्या करते हैं, उनको पेरेंट्स जो है उनको बार बार पिन करते हैं कि नहीं अभी आपको गाड़ी नहीं चलानी है, अभी आपको ये काम नहीं करना है, अभी आपको खुद से मनी का ट्रांसफ़र नहीं करना है। वट एवर द पेरेंट्स डू, दे डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर हैप्पीनेस। बट बच्चे को ख़राब लगता है कि यार मुझे क्यों सिखा रहा हो, अब मैं बड़ा हो गया, मेरी एज कितनी हो गई है, 18, मैंने 12th पास कर लिया है। बट मेरे दोस्तों, टीन एज की जो एज है वो एज ही है 13 से 19। तो जहाँ जहाँ टीन लगा है मीन्स अभी आप उस एज में नहीं हैं कि आप ये काम कर सकें। यहाँ तक क्लियर? तो टीन एज के बारे में पढ़ेंगे, एडोलसेंस में क्या होता है, क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, लड़कों में उनकी आवाज़ डेप्थ हो जाती है, प्यूबिक हेयर्स उनके आ जाते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ता है, बियर्ड आना शुरू हो जाता है, लड़कियों में एक्नी आते हैं, मेंसेस शुरू हो जाते हैं, और क्या कहते हैं जेनिटल्स में उनके भी प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं, ब्रेस्ट साइज में इनलार्जमेंट हो जाता है। तो मेन्स ये है कि बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आने लगता है और बच्चा इन चेंजेस को एक साथ संभाल नहीं पाता है। दूसरी गलती क्या होती है कि पेरेंट्स भी उतना रेडी नहीं होते हैं। जैसे शहरों की बात तो अलग है, शहर में क्या है कि पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छा रिलेशन है, बार बार उनके बीच में एक हेल्दी बॉन्ड है, वो अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से बी टायर सी टायर शहर हैं उनमें ऐसा रिश्ता नहीं होता है, उनमें जो उनके फादर होते हैं वो फादर नहीं बाप होते हैं। मीन्स जब बच्चे आते हैं, पापा आते हैं, तो बच्चे झूठी किताब खोल के पढ़ने बैठ जाते हैं। बहुत सारे घरों में क्या करते हैं कि बच्चे विश करते हैं कि काश पापा चले जाएं तो इंजॉय करने का मौका मिल जाए। तो जिस घर में ऐसा माहौल है उसमें हेल्दी बॉन्ड कहाँ से होगा बच्चे में और पेरेंट्स में? कैसे बच्चा अपने अंदर होने वाली चेंजेस को बता पाएगा? वो प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है, वो गलत संगति में जाके एक एक्सपोजर पा रहा है मैस्टरबेशन की तरफ, वो किससे डिस्कस करेगा? हाँ, जिनसे वो डिस्कस करेगा वो होंगे उसके दोस्त जो ऑलरेडी कुछ गलत राह में फंसे हुए हैं, जो उसको कभी सही सलाह नहीं दे पाएंगे। स्कूल में टीचर्स के साथ वो डिस्कस कर नहीं सकता है क्योंकि टीचर्स से उतने अच्छा उसका बॉन्ड नहीं है, बहुत सारे टीचर इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, तो बच्चा करे तो क्या करे? नेक्स्ट आता है हमारा अल्कोहल, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग। अल्कोहल यानी कि शराब, ठीक। तो शराब, अब बहुत सारे लोग शराब की वकालत करने लगते हैं कि शराब पीना अच्छी बात है, एक अगर हेल्दी डोज हो तो, ऐसा कुछ नहीं है। डोज कब लीथल डोज, नुकसान पहुंचाने वाली डोज बन जाती है, ये पता नहीं चलता है। शराब में सिर्फ अल्कोहल नहीं, आप सारी कैटेगरी कर सकते हैं, बियर भी ऐसा है, शुरुआत हमेशा बियर से होती है, बल्कि बियर नहीं अगर कहें तो शुरुआत जो है वो फ्रूट बियर से होती है, ठीक। तो कब बच्चा फ्रूट बियर से बियर पे आ जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं कि भाई संगति जो है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। बियर से याद आया, बॉटल से याद आया, अगर आप लोग कहें तो बताएं। देखिए ज़िंदगी का जो सफ़र है ना, वो बॉटल से शुरू होता है और बॉटल पे ही ख़त्म हो जाता है। पूछे कैसे? जब हम पैदा होते हैं, ठीक, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास होती है दूध की बॉटल। किसकी बॉटल? दूध की बॉटल। थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर हमारे पास किसकी बॉटल आती है? हमारे पास आती है पानी की बॉटल। सीधी बॉटल्स वाला पिक्चर लगा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? दूध की बॉटल। फिर आती है हमारे पास
पानी की बोतल, उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं स्कूल वगैरह जाने लगते हैं फिर आती है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक। बट जैसे ही हमारा ये टीनेज क्रॉस हुआ, हमें सोसाइटी में इंटरेक्शन हुआ, लोगों से लोग मिले, लोग जाने, फिर क्या हुआ, धीमे धीमे नए दोस्त बने, नए यार बने, इंटरेक्शन हुआ कोल्ड ड्रिंक से फ्रूट बियर की तरफ कि चलिए फ्रूट बियर की तरफ बढ़ते हैं। वो फ्रूट बियर से बढ़ के कब हम बियर पे आ जाते हैं नहीं पता, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, पानी की बोतल, दूध की बोतल, फिर क्या होगा, बियर पे आ जाएंगे और बियर फ्रूट बियर से बियर पे आ जाएंगे, फिर बियर में जाएंगे कि भाई आज लाइट है, कल स्ट्रांग है, कल डेल्टा स्ट्रांग है, नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाएंगे, फिर बियर से ट्राई करेंगे, चलो विस्की ट्राई कर लेते हैं, वोडका ट्राई कर लेते हैं, रम ट्राई कर लेते हैं, फिर ग्लूकोज की बोतल, और लास्ट में जब ख़त्म हो जाएंगे तो गंगा जल की बोतल, ठीक। तो बॉटल्स जो है वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, यस और नो, यस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वन बाय वन जो है वो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ओके। कि अट्रैक्टर्स हमारे हो गए, हाँ, कि अट्रैक्टर्स से बात करें, स्मोकिंग के बारे में जानेंगे, क्या कहते हैं, धूम्रपान सेहत के लिए निषेध है, अक्षय कुमार का बार बार ऐड आता है, नंदू जिंदगी हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, ठीक। स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे, स्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। लास्ट में किसके बारे में बात करेंगे, लास्ट में प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। यहाँ तक क्लियर, ओके। चलिए जी शुरू करते हैं, वाई डू वी नीड मेडिसिन, ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाए। अगर सर मेडिसिन खाने से ही, मेडिसिन बनने की वजह से ही यूज़ मिसयूज़ और अब्यूज़ हो रहा है तो मेडिसिन बंद कर दीजिए, सिंपल। हाँ अगर मेडिसिन की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है, यूज़ मिसयूज़, तो मेडिसिन बंद कर दीजिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, चलिए वन बाय वन जानेंगे कि मेडिसिन क्या है, मेडिसिन का इम्पोर्टेंस क्या है, ड्रग्स क्या है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और उसके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, ओके ओके, वेरी गुड। चले फिर शुरू करें, वाई डू वी नीड मेडिसिन, हम मेडिसिन क्यों खाते हैं, हमें मेडिसिन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कोई बताएगा, क्या कोई बताएगा कि वाई डू वी नीड मेडिसिन, सोचिए सोचिए सोचिए, बताइए वाई डू वी नीड मेडिसिन, आखिर ऐसा रीजन क्या है कि हम मेडिसिन खाते हैं, हमें मेडिसिन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कोई बीमार हो इसलिए, किसी की तबीयत खराब हो इसलिए, एक ही बात हो गई, नेक्स्ट बताइए, वाई डू वी नीड मेडिसिन, हम मेडिसिन क्यों लेते हैं, चलिए बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, सम केमिकल्स हैव मेडिकल वैल्यू विच आर डिज़ाइन टू यूज़ फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द मैन काइंड, जो केमिकल्स होते हैं, देखिए दवाई उनसे ही बनती हैं, चाहे वो किसी केमिकल कंपाउंड को बना के बनाई जाए या फिर कोई प्लांट बेस्ड ओरिजन हो, या तो केमिकल बेस्ड ओरिजन होगा, कोई भी अगर आपके पास मेडिसिन है, क्या है, मेडिसिन, तो उसका ओरिजन कैसा होगा, या तो प्लांट बेस्ड, मींस किसी प्लांट में ऐसे तत्व पाए जाएंगे जिसको एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन बनाई जाएगी, या फिर केमिकल बेस्ड, प्लांट बेस्ड या फिर केमिकल बेस्ड, आर यू क्लियर, प्लांट बेस्ड या फिर केमिकल बेस्ड, ओके, प्लांट बेस्ड या फिर केमिकल बेस्ड, प्लांट बेस्ड या फिर केमिकल बेस्ड, बट सम पीपल डू देयर मिसयूज फॉर द बेनिफिशियल एंड प्लेजर, बट कुछ लोग उन दवाइयों का मिसयूज कर देते हैं, किस लिए, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने सेंसेस के लिए, अपने प्लेजर्स के लिए। अभी क्या है ना कि अभी आप लोग छोटे हो, बहुत छोटे, वेरी छोटा, ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको मतलब दुनिया के बाहर की लग रही है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं क्या, लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्या, कि कोई क्यों मेडिसिन के लिए ऐसा करेगा, बट जो लोग नशे में होते हैं वो ये सब कुछ करते हैं, जो लोग नशे में होते हैं वो ये सब कुछ करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडिया का एक साल का ड्रग का मार्केट कितना है, तो क्या लगता है कितना होगा,
एलए डिस्क्लेमर है जो बात होनी चाहिए वो 1,000 करोड़ से नीचे तो होनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर बताइए। अगर मैं पूछूं कि इंडिया में एक साल में ड्रग का कितना है मार्केट, तो क्या बताएंगे? कितना करूँ आप? 20,000 करोड़। गलत। 50? बिल्कुल गलत। 100? 1,00,000 करोड़। गलत। मतलब कम बता दो, आप लोग कम बता दो, और ज़्यादा बताना है। हाँ हाँ 1,00,000 करोड़ पे कुछ भी नहीं हुआ, 1,00,000 करोड़ तो आप बहुत कम बता दो। काइंडली इंक्रीज योर लिमिट्स, बड़ा सोचो, बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ कितना? 5,00,000 करोड़ अभी भी कम है। 10,00,000 करोड़ अभी भी कम है। 12? ना ना। इंडिया का जो एक साल का ड्रग का मार्केट है वो है 20, यानी कि 20,00,000 करोड़। समझे दोस्तों? 20,00,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया का। कितने का? 20,00,000 करोड़। कितना? 20,00,000 करोड़। कितना? हाँ बार बार बोलो ताकि हमारा माइंड ये एक्सेप्ट कर सके कि नशे का भी मार्केट इतना बड़ा हो सकता है। 20,00,000 करोड़ रुपए का मार्केट है सिर्फ और सिर्फ एक साल इंडिया का। सोचो 5 साल में कितना हो गया? 100,00,000 करोड़। मतलब इतनी फिगर जो है वो इमेजिन ही नहीं कर पाएगी। देश का बजट शायद इतना होता है। ठीक, बट है क्या, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग इन्वॉल्व हैं। कई जितने भी ड्रग कार्टल्स हैं, ड्रग पैडलर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके ये काम है। लेकिन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। किसी का घर बर्बाद करके अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप कुछ नहीं बना रहे हैं। यहाँ तक सीयर मैं राइट? किसी का घर बर्बाद करके अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो शायद आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं। आप पूछते हैं मेडिसिन क्या है? अ सब्सटेंस इन एनी फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड, विच हैव टेंडेंसी टू क्योर। क्या है मेडिसिन? वॉट इज मेडिसिन? अ सब्सटेंस इन एनी फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड, विच हैव टेंडेंसी टू क्योर। अ सब्सटेंस इन एनी फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड, विच हैव टेंडेंसी टू क्योर, वो क्या है? वो मेडिसिन है। ठीक, मेडिसिन कहाँ से आएगी? या तो प्लांट बेस्ड ओरिजन होगा या तो केमिकल बेस्ड ओरिजन होगा। ड्रग क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस यूज एज अ मेडिसिन। भाई जो केमिकल के सब्सटेंस, मतलब ड्रग और मेडिसिन जो है एक ही चीज़ है। मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ड्रग बोल देते हैं, एक थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं तो मेडिसिन बोल देते हैं। ठीक, और कम होते हैं तो दवाई बोल देते हैं, और कम तो गोली बोल देते हैं, गोली खा लेंगे तो सही हो जाएंगे। लेकिन गोली तो बंदूक की होती है। हाँ ये कौन सी गोली है? ये गोल है इसलिए गोली हो गई। लेकिन कैप्सूल के तो फॉर्म बड़े हैं फिर। जोक सपाट, हंसी मजाक की बात है। तो यहाँ तक क्लियर? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रिवीजन करते चलेंगे, पूरी कोशिश यह रहेगी कि जो स्लाइड है वो हमें घर जाके पढ़नी ना पड़े, वो हमारा क्लास का क्लास में ही याद हो जाए। हमारा टॉपिक था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम क्या पढ़े थे? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। अलग अलग तरह के ड्रग्स बने हैं, उनका अब्यूज़ क्या है उसके बारे में जानेंगे। हमने जाना कि यूज़ क्या है और मिसयूज़ क्या है। कोई भी चीज़ अगर किसी सही हाथों में है तो वो यूज़ होगी, और गलत हाथों में है तो क्या होगा? मिसयूज़ होगी। अगर सही हाथों में है तो यूज़ होगी, और गलत हाथों में है तो क्या होगा? मिसयूज़ होगी। जैसे कि एक गन का एग्जांपल लिया, एक गन अगर एक शोल्डर के हाथ में है तो उसका यूज़ करेगा, एक डाकू के हाथ में तो क्या करेगा? उसका मिसयूज़ करेगा। नेक्स्ट हमने क्या जाना कि कौन कौन सी ड्रग्स आज हम पढ़ने वाले हैं? सीडेटिव, ओपॉइड, स्टूडेंट और हेलुसिनेटिंग ड्रग्स, ये 4 कैटेगरी को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। उसके बाद हमने की अट्रैक्टर्स जाने कि आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, मिसयूज़ कैसे होता है, डोज का क्या काम होता है कि अगर डोज जो है वो बढ़ा दें घटा दें तो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, टाइप्स, कितने टाइप्स की ड्रग्स होती हैं, सीडेटिव, स्टिमुलेंट, ओपॉइड्स और हेलुसिनेटिंग। ये मेरे साथ आप लोग भी बोलते रहिए बार बार, अगर आप बार बार बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, एडोलसेंस जानेंगे, जवानी क्या है, अल्कोहल के बारे में समझेंगे, अल्कोहलिज्म को समझेंगे, स्मोकिंग को समझेंगे, स्टीरॉयड को समझेंगे, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि कंट्रोल क्या है। कंट्रोल मींस क्या ऐसा किया जाए जिससे इन सब चीज़ों पे रोक पाई जा सके। ओके, फिर हमने जाना कि वाई डू वी नीड मेडिसिन, आखिर मेडिसिन क्यों लेते हैं, मेडिसिन का काम क्या है, मेडिसिन की इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिसिन का उपयोग क्या है, क्यों, वाई, व्हाट इज मेडिसिन, ये हमने जाना। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला मेडिसिन, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स।
सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा। क्या किया होगा? सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा कि सिडेटिव्स क्या होते हैं और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा कि सिडेटिव्स क्या होते हैं और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। मैंने सुने सिडेटिव, सिडेशन नाम से क्या लगता है? सिडेटिव सुनते ही मुझे नींद आने लगी। ओ माय गॉड, मुझे नींद आने लगी। सिडेटिव क्या है? चलिए, हमको तो नींद आया है। ये सुंदर कन्या लड़की, ये भी तो सो रही है, विजिबल होगा आपको स्क्रीन पे। ये क्यों सो रही है? इसको तो नहीं सोना चाहिए, लेकिन इसके पास कुछ ऐसा मिला है जिसको खा के नींद आने लगती है, जिसे बोलते हैं सिडेटिव ड्रग्स। क्या बोलते हैं? सिडेटिव ड्रग्स। क्या बोलते हैं? सिडेटिव ड्रग्स। अगेन आई रिपीट, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिडेटिव ड्रग्स। ठीक, अब अगर बात करें कि डेफिनेशनली डेफिनेशन समझते हैं क्या है। अ ड्रग और मेडिसिन डेट यू यूज फॉर कामनेस और वॉन्ट टू स्लीप। जब हमें बहुत काम महसूस करना हो, रिलैक्स महसूस करना हो, तो हम इन सीडेटिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं। जनरली क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जिनको बहुत तकलीफ है, सो नहीं पा रहे हैं, काम महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको ही दे दिया जाता है। चलो भाई ये दे दो और इनको सुला दो, वो खा के इसको पी के मस्त होकर सो जाएंगे। ठीक, हिप्नोटिक्स क्या है? ड्रग्स विच यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। एक ही बात है, मतलब एक ही ग्रुप है सीडेटिव और हिप्नोटिक्स का, जिसमें क्या होगा, आपकी स्लीप जो है वो इम्प्रूव होगी। क्या इम्प्रूव होगी? आपकी जो स्लीप है वो इम्प्रूव होगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक, क्या करेगा? क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव कर देगा। कहाँ पे असर करेगा? हमारे CNS पे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक, किन किन चीज़ों में दिया जाता है? भाई एंजाइटी किसी को बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत परेशान हो रहा है, उसका तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है उसको, कोई सदमा लग गया, कोई ट्रामा हो गया, वो कोई बात को पकड़ के बैठ गया, भुला नहीं पा रहा है, एंजाइटी उसको हो गई। एंजाइटी वर्ड एक बहुत कॉमन वर्ड है, आपको बहुत सुनने को मिलेगा फिल्मों में, हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में, बिजनेस मैन के, ओ माई गॉड आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, आई एम फीलिंग दिस दिस दैट। कुछ नहीं, अगर किसी को एंजाइटी महसूस हो रही है तो उसको बोलो कि भगवान की शरण में जाए, पूजा पाठ करे, थोड़ा सा बेहतर महसूस करे, साथ ही साथ मेडिटेशन भी लेती रहे, लेकिन अपने आप को अंदर से शांत करे। क्या करे? अपने आप को अंदर से शांत करे। अगर अंदर से अपने आप को शांत नहीं करेगा, शांत नहीं महसूस करेगा, तो फिर क्या होगा? एंजाइटी कभी प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं होगी, वो मेडिसिनल बेस्ड ट्रीटमेंट हो जाएगा कि जब तक दवा है तब तक तो बेहतर महसूस हो रहा है, दवा बंद हो गई तो बेहतर महसूस होना क्या हो गया? बंद हो गया। जब तक दवा है तब तक बेहतर महसूस हो रहा है, जब तक दवा बंद हो गई तो बेहतर महसूस होना क्या हो गया? क्या हो गया बताइए? बंद हो गया। ठीक, तो मेडिटेशन करें, ध्यान करें, सुबह जल्दी उठें। हालांकि सुबह जल्दी हम नहीं उठ पाते हैं, माई मिस्टेक, बट कोशिश पूरी जारी है, सुबह जल्दी उठें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि एक बार टाइम लगा के कई घंटे के लिए बैठ गए कि भाई हम जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाने के मतलब ये है कि आप अपने काम को पूरी तरीके से देखें, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वन बाई वन हम चीज़ों को समझेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सिडेटिव ड्रग्स की बात करी, हिप्नोटिक्स की बात करी। अब ये ड्रग्स बनाई गई थी मेडिकल पर्पज से, किसका? डॉक्टर्स, ताकि इनका यूज़ कर सके किसी भी पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए। बट जहाँ जहाँ यूज़ है वहाँ वहाँ, शुरुआत में मैंने क्या बताया था, वहाँ वहाँ मिसयूज़ है। तो यूज़ बनाया गया था मेडिकल पर्पज के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव पर्पज के लिए, कि किसी का ऑपरेशन होके आया, किसी को बहुत तकलीफ है, कोई बहुत परेशानी में है, तो उसको सिडेटिव ड्रग्स दे दीजिए, वो आराम करेगा, लेटेगा, उसको बेटर फील होगा। बट सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं जिन्होंने इन डोज का शॉर्टकट निकाला और इनका मिसयूज़ करना शुरू किया। तो क्या लगता है कि ये शॉर्टकट निकालने वाले, ये मिसयूज़ करने वाले लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़ होंगे? अरे बहुत पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ के बस की बात नहीं है दवाइयों को मैनिपुलेट कर पाना। ये जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रेन होता है सोसाइटी में, वही इस तरह की एक्टिविटी कर पाएगा। जैसे एक बॉम्ब बनाना है, तो बॉम्ब बनाना क्या अनपढ़ लोगों की बात है ना? अनपढ़ सिर्फ उस बॉम्ब का विक्टिम बनेगा, उसको फेंक देगा, अपनी जान दे देगा, बट जो क्रिएटर है वो हमेशा इंटेलिजेंट होगा। ठीक, उसके पास आर्ट होगी लोगों को मैनिपुलेट करने की। बहुत टफ होती है फार्माकोलॉजी, अगर आप पढ़ेंगे, दवाइयों के बारे में जानेंगे, इतना आसान नहीं होता है कि किसी दवाई का केमिकल कंपोजिशन समझें, उसका केमिकल कंपाउंड समझें, उसका मोड ऑफ एक्शन समझें कि कैसे ये वर्क करती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी समझें। MBBS सेकेंड ईयर में एक अलग से सब्जेक्ट होता है जिसे बोलते हैं फार्माकोलॉजी, तो उसमें ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई जाती है कि ड्रग्स क्या है, उसका यूज़ क्या है, मिसयूज़ क्या है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, कि कौन सी ड्रग जाने के बाद कितनी देर के बाद रिस्पॉन्स करेगी, और साथ ही साथ
बहुत सारे रूट्स भी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रग रूट्स, जो क्वेश्चन आता है ओरल रूट, ठीक, जाए मुंह की ओपनिंग है वहाँ से आ सकता है, बॉडी में जितनी ओपनिंग्स हैं, ठीक है, सब लिंगुअल, यानी कि टंग के नीचे रख के भी मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद हम अपने ऊपर जो स्प्रे वगैरह लगाते हैं वॉलिनी, तो इतने तो मीडियम हो गए किस चीज़ के, ड्रग्स को यूज़ करने के, ठीक। बट मिसयूज़ करने वाले भी क्या करते हैं, इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन लिया, दवाई डाली और हाई फील करने लगे। और जितने भी इस तरह के इंजेक्शन यूज़ करने वाले होते हैं तो अपने शरीर को तो कराते ही कराते हैं, साथ ही साथ सोसाइटी में भी गलत इम्पैक्ट देते हैं। होता क्या है कि जैसे एक मूवी आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब, तो उड़ता पंजाब का एक बड़ा ही फेवरेट करेक्टर था जिसका नाम था बल्ली, लड़का था छोटा सा नशा करता था। तो ये लोग क्या करते हैं, एक कॉमन सिरिंज को शेयर करते हैं, एक कॉमन सिरिंज को शेयर करते हैं, तो इनको और भी जो बीमारी हैं वो भी होने के चांसेस हैं, एड्स वगैरह भी हो जाएगा। अब ताजुब की बात ये है कि नशे करने के लिए इनके पास पैसा है, इन्होंने महंगे से महंगे नशे को अफोर्ड कर लिया, बट वो उस सिरिंज को नहीं खरीद पा रहे हैं। तो क्या सिरिंज खरीदने का पैसा नहीं है? ऐसा नहीं है कि सिरिंज खरीदने का पैसा नहीं है, बात ये है कि सिरिंज खरीदने का पैसा तो है, बट इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी इनके पास जानकारी नहीं है कि अगर हम सेम सिरिंज को यूज़ करेंगे तो हमें क्या कर जाएगा, बहुत नुकसान पहुंचा जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, बेंजोडायपिन एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, और बारबिट्यूरेट्स, ये दो एग्जांपल हैं बहुत तगड़े, बहुत फेमस, जो किसके यूज़ किए जाते हैं, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो क्या आपको सिडेटिव और हिप्नोटिक्स समझ में आया? आई होप पूरा समझ में आया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि सिडेटिव्स क्या होते हैं और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, सिडेटिव्स क्या होते हैं और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल भी बनाया है, फोटो भी लिखी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि सिडेटिव ड्रग्स क्या होते हैं, ओ माई गॉड, ओपॉइड्स, खूबसूरत, तो क्या आप बता पाएंगे? क्या आप यूज़ और मिसयूज़ को बता पाएंगे? क्या आप डोज को बता पाएंगे? क्या आप रूट्स को बता पाएंगे? क्या आप उनके इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अरे बता लेंगे, सब बता लेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ओपॉइड, क्या होता है? सब्सटेंस विच एक्ट ऑन ओपॉइड रिसेप्टर्स, ओके, ठीक। ये क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है, मीन्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे? ये बहुत सुंदर सा पौधा आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक सुंदर सा पौधा, कितना सुंदर? बहुत सुंदर। कितना सुंदर? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर या बहुत ज़्यादा सुंदर? बहुत ज़्यादा सुंदर, ठीक। क्या है? बहुत ज़्यादा सुंदर। इसका क्या नाम है? डेराइव्ड फ्रॉम द कैप्सुलर फ्रूट ऑफ द पॉपी प्लांट पेपेरे सोरीवेरम, और बहुत हाई क्वालिटी के नशे बनाने के लिए ये यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? स्मैक वगैरह भी इसी का, क्या कहते हैं, सिंथेसाइज करके बनाई जाती हैं, जो भी मॉर्फिन वगैरह है वो इसी को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। देखिए दिखने में सुंदर है लेकिन नुकसान कितना बड़ा कर रहा है, नुकसान बड़ा कर रहा है या हम इसका मिसयूज़ कर रहे हैं? हम इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। कई लोग, एक बच्चा पीछे से मुझसे बोल रहा है कि हर खूबसूरत चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती है। ऐसा नहीं है, हर खूबसूरत चीज़ फ़ायदेमंद होती है, लेकिन डिपेंड करता है वो खूबसूरत चीज़ किन हाथों में है, क्योंकि खूबसूरती खूबसूरत होने से नहीं बढ़ती है, खूबसूरती बढ़ती है कि वो किन हाथों में है, ठीक। और खूबसूरती जो है वो देखने वाले की नज़र में होती है, वरना कुछ भी खूबसूरत नहीं हो सकता है। जो मुझे बहुत सुंदर लग रहा हो वो आपको बहुत बेकार लगे, जो आपको बहुत बेकार लगे वो मुझे बहुत सुंदर लगे। तो क्या कोई चीज़ सुंदर या बेकार कैसे हुई? ये डिपेंड करता है कि खूबसूरती जो है वो देखने वाले की नज़रों में होती है, क्या? देखने वाले की नज़र में होती है। वन बाय वन चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर? तो क्या है? सब्सटेंस विच एक्ट ऑन द ओपॉइड रिसेप्टर डिराइव्ड फ्रॉम द कैप्सुलर फ्रूट ऑफ पॉपी प्लांट पेपेरेसोमी वायरस। यहाँ तक क्लियर? क्या इतना पोर्शन क्लियर हुआ? यस और नो? आई होप हो गया होगा। अब बात क्या करेगा कि रिसेप्टर पे ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। क्या कर देगा? ब्रेन रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा। अगेन आई रिपीट, क्या कर देगा? ये हमारे ब्रेन रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा। क्या कर देगा? ब्रेन रिस्पॉन्स यानी कि सोचने समझने तर्क करने की क्षमताओं को ढीला कर देगा, डाउन कर देगा, ठीक। पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, रेस्पिरेशन रेट जो है स्लो हो जाएगा, एकदम आदमी हाँ रिलैक्स ऐसा महसूस करेगा, ठीक।
हाई, हल्का सा हाई फील करेगा, लो एकदम। तो क्या ये अच्छी चीज़ है? अगेन आई रिपीट, क्या ये अच्छी चीज़ है? क्या ये अच्छी चीज़ है बताइए? फिर से वही स्टेटमेंट, कोई भी चीज़ अच्छी या ख़राब डिपेंड है उसके यूज़ और मिसयूज़ पे, उसके यूज़ एंड मिसयूज़ पे, उसके यूज़ एंड मिसयूज़ पे। ओके, चलिए बात करते हैं ओपॉइड्स के बारे में। इनके तीन फॉर्म होते हैं, या फिर तीन डेरिवेटिव्स कह लीजिए। एक होगा नेचुरल, कि जैसा है वैसा। एक है सेमी सिंथेसिस, एक है सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब थोड़ा सा ही चेंजेस किया गया और नया प्रोडक्ट बना लिया गया, और सिंथेटिक का मतलब प्योर, एकदम बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही चेंज। ठीक, नेचुरल में क्या आएगा? मॉर्फिन एंड कोडीन। ठीक, क्यों यूज किया आता था? देखिए क्यों यूज़ किया जाता था इन ड्रग्स का, ये टेक्निक के बनाए ही क्यों गए अगर लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं? भाई बनाया तो गया था पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे और जाएंगे, उसमें देखेंगे कि प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन के बाद, और प्री ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन से पहले। पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड प्री ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर यानी कि ऑपरेशन के बाद, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि ऑपरेशन से पहले। तो जनरली होता क्या था, ऐसे किसी का ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी का ऑपरेशन हुआ, ठीक, और उसको बहुत पेन है, बहुत पेन, अनबियरेबल अनकंट्रोल्ड पेन है, तो उनको ये चीज़ें दी जाती थी। और जब ये दवाई देगा तो ब्रेन रिस्पॉन्स को कम कर देगा, जो भाई ब्रेन सेंटर है पाथवे पेन्स के, उनको एकदम रिलैक्स कर देगा। तो ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ थी, लेकिन लोगों ने इसका क्या किया, अगेन मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक, तो मॉर्फिन, कोडीन, कोडीन जानते हैं, कोडीन कोई ऐसा है जो जानता है या नहीं जानता है? सब जानते हैं, सबके चेहरे, सबकी स्माइल बता दी कि सब कोडीन को जानते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेमी सिंथेटिक यानी कि क्या होगा? डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, जिससे हम बनाएंगे हीरोइन। हीरोइन कौन सी? स्मैक जिसे कहते हैं। जनरली जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बात आते हैं, तो एनाटॉमी में जब आपका फर्स्ट ईयर में एग्जामिनर आएंगे, जब आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पूरी पढ़ लेंगे, बीडी चौसिया करके किताब पढ़ती है बीडीसी, तो उसमें पूछा जाएगा व्हाट इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो जो स्मैक लेने वाले होते हैं, जो हीरोइन करने वाले होते हैं, वो जनरली ऐसे करते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने रनिंग नोज को पोंछते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है, आप सभी अपने हाथ में लिखिए, हाथ ऐसा करिए यूं, और इसको ऐसे उठाइए। ठीक, तो यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बनता है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नफ बॉक्स। उस गड्ढे में हीरोइन या कोई भी स्मेल करने वाला, सूंघने वाला पदार्थ रख के, जिससे हमें नशा मिलता है, और काम फिनिश। ठीक, नशा हो गया, नशा शराब में होता तो झूमती बोतल, नहीं नहीं, हीरोइन वीरोइन जो है ये सब बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नशे हैं, एकदम हाई फॉर्म के। ठीक, हीरोइन बनेगा, स्मैक बनेगा, या फिर ब्राउन शुगर। ठीक, हीरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर, ये नशे कैसे हैं, सॉरी, ये नशे कैसे हैं, प्योरेस्ट फॉर्म है किसका, डेरिवेटिव्स को क्या किया, उनको सिंथेसाइज करके बनाया गया। फिर हो गया फुल सिंथेसाइज, क्या है, पेटिनाडीन, सिमिलर इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, जैसा मॉर्फिन का इफेक्ट आएगा वैसा इफेक्ट इसमें भी देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर, कोई शक, कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई उत्तर, कुछ कुछ नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़े। जनरली यूज इट फॉर द प्रिकॉशन एंड ट्रीटमेंट, बट पीपल, वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि शुरुआती दिनों में जब भी इस तरह की चीज़ों की डिस्कवरी करी गई तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट। अब बताइए, चलिए नशा और जहर दोनों में क्या अंतर है, नशा और जहर में क्या अंतर है, सोचिए सोचिए बताइए, बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत बेसिक सा आंसर है कि नशे और जहर में क्या अंतर है, नशा क्या है और जहर क्या है, नशा क्या है और जहर क्या है, नशा क्या है और जहर
क्या है बताइए। नशा बार बार करना पड़ता है, जहर एक बार खाइए तो आदत लग जाती है। गुड आफ्टरनून, पापा खड़े हैं क्या? चले गए। आज की क्लास छूटेगी 3:10 तक, क्लास आपकी फिनिश होगी 3:10 तक, 3:15 तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तब तक इसको एंजॉय करो। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, कि जो दवाइयाँ बनाई गई उनसे लोग कैसे नशे कर लेते हैं, ठीक, जो दवाइयों के पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं वो कैसे निगेटिव इफ़ेक्ट में टर्न हो जाते हैं, ठीक। तो बहुत सारे नशों के हमने नाम सुने होंगे, चरस, गाजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अफीम, हीरोइन, ठीक। तो अभी हम लोग हीरोइन पढ़ रहे हैं, ओके, हीरोइन। तो ये सुंदर सा पौधा देख रहे हो, कितना खूबसूरत है, इसी को थोड़ा सा सेमी सिंथेसाइज करके क्या बनाया जाता है? हीरोइन स्मैक, ठीक। और जितना देखा होगा जो हीरोइन स्मैक या ब्राउन शुगर करने वाले, नशा करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसे करते रहते हैं, देखा है, ठीक। तो लोग कहते हैं कि इनको शायद रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम है, नाक पोंछते रहते हैं, ऐसा नहीं है। होता है क्या, जब आप MBBS एनाटॉमी के फर्स्ट ईयर में लेक्चर अटेंड करेंगे, वापस से बता रहे हैं सही बच्चों के लिए, तो ऐसा करना, हाथ ऐसे, हाँ ये अंगूठा ऐसे, देखो यहाँ पे गड्ढा पड़ रहा होगा, गड्ढा पड़ रहा है, ठीक, इसी गड्ढे में वो अपना स्मैक रखते हैं, ठीक है, और सूंघ लेते हैं। तो सवाल तो ये आया कि गड्ढा तो बहुत छोटा सा पड़ रहा है, इसमें कितना स्मैक आ जाएगा? तो 1 ग्राम भी स्मैक बहुत सफिशिएंट होता है और बहुत महंगा आता है, ठीक। इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, स्नफ मतलब, ठीक। तो ये लोगों ने क्या किया, उसका मिसयूज़ करना शुरू किए। तो जनरली हमारी जो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ रहे हैं कि दवाइयों का यूज़ के लिए बनी थी, बट उनका क्या होना शुरू हो गया, मिसयूज़, बहुत हाई ग्रेड पे, हाई पावर पे, याद है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टिमुलेंट्स, ठीक, ये क्या होते हैं, अवेयरनेस और अवेकनेस को प्रमोट करते हैं, ठीक। जब भी हम लेजी फील कर रहा हूँ, आलस फील कर रहा हूँ, नींद आ रही हो, तो बोला था भाई स्टिमुलेंट दे दो, ठीक, और आदमी अटेंटिव हो जाएगा। बट स्टिमुलेंट बनाए गए थे अटेंशन को बढ़ाने के लिए, लोगों ने इसका ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ताकि क्या करें, उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लिनिकली मतलब मेडिकल पर्पज़ के लिए क्यों यूज़ किया गया, क्लिनिकली स्टिमुलेंट बनाए गए अटेंशन डिफिशियंट पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, मतलब वो पेशेंट जिनका अटेंशन प्रॉपर नहीं है उनको ट्रीट करने के लिए क्या बनाया गया, स्टिमुलेंट्स बनाया गया, ठीक, ताकि उनका टेंशन आ जाए। स्टिमुलेंट्स है क्या? स्टिमुलेंट कुछ और नहीं है, ये हमारी टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी में मिलने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, स्टिमुलेंट, जो क्या हुआ, कैफीन, ठीक। चाय पीने के बाद फ्रेशनेस आती है, एकदम ताजे हो गए, हाँ, जो चाय के एडिक्ट हैं उनको बहुत चाय चाहिए होती है, सुबह चाय, शाम में चाय, खाना खाने के बाद चाय, खाना खाने के पहले चाय, खाना खाने के बाद में चाय, और बड़े शहरों में जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो चाय पर ही टिका रहता है, चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय ले आओ, तो उनको लगता है वो सिर्फ चाय पी रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कैफीन का एडिक्शन, उनको एडिक्शन हो गया। कोई भी चीज़ अगर, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, हाँ, कोई भी चीज़ अगर एक सिंपल डोज है और उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर एडिक्शन में टर्न हो जाता है, और हैबिट कब एडिक्शन में टर्न हो जाए किसी को पता नहीं चलता है, एक्सपेरिमेंट कब लत लग जाए किसी को पता नहीं चलता है, आपका पहला टाइम कब आपका रेगुलर हो जाए पता नहीं चलता है। जैसे सोसाइटीज़ में क्या होता है, बच्चे हैं, बड़े हो गए, बाहर पढ़ने के लिए गए, किसी ने एक बार कहा भाई एक बार ट्राई करना सिगरेट, वो उसका एक बार सिगरेट ट्राई करना बार बार में कब कन्वर्ट हो जाता है उसको नहीं पता चलता है। स्मोक ही नहीं, सिर्फ अल्कोहल, शुरुआत आदमी एक्सपेरिमेंट में ही करता है, कि एक पार्टी में गए थे, वहाँ पे सोशल ड्रिंकिंग कर रहे थे, इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया। मास्टरबेशन, सोसाइटी में लोग सिखा देते हैं, दोस्त यार, आदमी एक बार ट्राई करता है उसमें बार बार ट्रीटमेंट कर जाता है। तो ये सब है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ डोपामीन हमारे ब्रेन सेंटर को स्ट्रोक देते हैं कि भाई मज़ा आ रहा है, और इनकी लत लग जाती है, एक बार नहीं बार बार, ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या है, लीव्स, इवन कि चाय में, कॉफ़ी में और कोक यानी कि कोल्ड ड्रिंक, इनमें भी कैफीन पाया जाता है। तो बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्हें कोक की लत होती है, कि रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक मिल जाता तो मज़ा आ जाता, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक मिल जाता तो मज़ा आता, तो कोल्ड ड्रिंक का मज़ा उनको पता ही नहीं उनको आ क्यों रहा है। कोल्ड ड्रिंक का मज़ा उनको इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक के एडिक्ट हो गए हैं, क्या हो गए,
एडिक्ट हो गए, थोड़ा बहुत कि बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए, यहाँ तक क्लियर। ये दवाइयों का नाम लिखे लिटरली नो कॉन्सेंट्रेट, बट अलग अलग जगहों पे क्या होता है, अलग अलग नाम से आता है, अलग अलग ट्रेड से आता है। ADHD अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो ये वाला पेज क्या इंस्ट्रूमेंट क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं किसमें, कोकीन क्या है, सुना होगा, बहुत सुना होगा, बहुत फेवरेट है, ठीक। कितना खूबसूरत पौधा है, ठीक, कितना खूबसूरत पौधा है, नेचर ने प्रोड्यूस किया, धतूरा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक। ये तो धतूरा पूरा पक गया, लेकिन धतूरे का फूल अगर देखा है, नहीं देखा है, वाइट दिखाते हैं, वाइट कलर का होता है धतूरा फ्लावर, हाँ नहीं कॉमन फ्लावर नहीं है, इतना इजीली दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं ना जंगलों में, जहाँ वहाँ जंगली पना है वहाँ पे दिखेगा। अब इतना खूबसूरत पौधा, इतना प्योरेस्ट, इतना हाई ग्रेड का नशा दे सकता है क्या, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसको देखने में नहीं लग रहा है। जितने भी तरह के नशे हैं वो जनरली क्या होंगे, दो तरह में होंगे, या तो केमिकल बेस बनाए जाएंगे, कोई केमिकल का बना दिया गया, या फिर प्लांट सोर्स होगा, और कोई सोर्स है क्या नशे का। कब किसी एनिमल को खा के नशा हुआ है, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी हुआ है कि कुत्ते को खाया नशे में, हुआ है किसी ने मुर्गा खाया वो डोल लाया कि भाई नॉनवेज खाया मज़ा, नशा कभी नहीं होता है, नशा नहीं होता है, एनिमल बेस कभी नशा नहीं होता है, ठीक। प्लांट बेस ओरिजन से हो सकता है, ठीक, प्लांट के अंदर भी तो प्रेजेंट तो केमिकल कंपाउंड ही है कुछ ना कुछ, हाँ, या तो ये पर ये क्या होंगे, ये कहलाएंगे नेचुरल, ठीक। सिंथेसिक वाले वो कहलाए जाएंगे जो प्योर केमिकल्स को मिला के बना दिया जाए, जैसे जो इंजेक्शन वगैरह लोग लगाते हैं, तो यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब हुआ क्या, लीव्स ऑफ एरिथ्रोफिलेसिस कोका इसका नाम है प्लांट का। अब जब लोगों को मालूम पड़ा कि भाई इसको यूज़ करने से एनर्जी बढ़ जाती है हाई, फिर तो डोप करने लगे कि इसको इस्तेमाल कर लो, अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा लो, काम करने में। फिर क्या हुआ कि टेस्ट करने लगे, लेकिन इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, ठीक। तो जब भी जाँच होगी जल्दी से आदमी पकड़ा जा सकता है, मानते हो कि नहीं, हाँ, जब भी जांच होगी तो आदमी पकड़ा जाएगा। ये क्या लिखा है, एम्फीथियामाइन मींस सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एड्रेनालिन, ठीक। एंटी स्लीपिंग पिल्स बोले तो वो पिल जिससे नींद भाग जाए, ठीक। ये अच्छा, जो भी यूज़ हो रहे हैं वो मिसयूज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे का पर्सपेक्टिव देखो, कोई नहीं सो रहा है क्यों, ताकि वो काम ज़्यादा कर सके, कोई ज़्यादा सो रहा है कि वो इंजॉय कर सके, ठीक, कोई सो रहा है कि नशा कर सके, कोई नहीं सोना चाह रहा है नशा, ताकि अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सके। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि उसके पीछे का क्या है पर्पस जानने के लिए, ठीक। उसके बाद हेलुसिनेशन बहुत देखने को मिलता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि सांप है, उसे लगेगा रस्सी, उसे पकड़ लेगा, वो काट लेगा, वो मर जाएगा, ठीक। उसकी तरफ तुम टमाटर फेंको, भाग जाएगा, ये मेरे ऊपर पत्थर मार दिया, मेरे ऊपर फुटबॉल मार दी, वहम होने लगता है, ठीक। वो ऐसी बातें करेगा जो बात है ही नहीं, जो बोलेगा कि रिचल उड़ते हुए आई, ठीक, तो क्या रिचल उड़ते हुए आई, नहीं आई, तो ये क्या है, हेलुसिनेशन ही तो है, वहम कि जो नहीं है वो है और जो है वो नहीं है। उसके बाद कैनाबाइड्स, ये भी किससे एक्सट्रैक्ट होता है, लीफ फॉर्म से, ठीक। जनरली देखा जाता है भांग या फिर चरस जिसे कहते हैं, ये क्या है, ये भी लीव्स के ही एस्पेक्ट है, क्या है, लीव्स के ही, प्लांट बेस्ड ओरिजिन ही है, बट लोगों को इसकी नॉलेज हो गई, इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया गया। ये जो है चरस, ठीक, ये भी प्लांट बेस्ड है, ये भांग के गोले बनाए गए, ये भी प्लांट बेस्ड है, इसका यूज़ हुआ और फिर क्या हुआ, मिसयूज़, ठीक, और लोगों ने क्या क्या नुकसान पहुँचाना शुरू किया, बट ये हमारे ब्रेन सेंटर को इफेक्ट कर देगा। जब ब्रेन सेंटर हमारा इफेक्ट हो जाएगा तो क्या हमारी डिसीजन मेकिंग होगी, नहीं हो पाएगी, डिसीजन नहीं ले पाएगा आदमी, ब्रेन सेंटर ही इफेक्ट हो गया पूरा, ठीक। और एक जो प्रॉपर चैनल है, जो थिंकिंग का ट्रैक्ट है, वो फंस जाता है। तो भांग पीने के बाद आदमी क्या करता है, एक ही सेट ऑफ काम करता है, अगर वो हंस रहा है अनकंट्रोल्ड लाफ्टर तो वो हंसने ही लगेगा, रुकता ही नहीं है जब तक भांग का नशा हल्का सा डायल्यूट नहीं होता है। अगर वो रो रहा है तो वो रोने ही लगेगा, कोई भी टास्क उनके लिए परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जो लोग भांग की थोड़ी सी डोज बढ़ा लेते हैं, ठीक, तो वो क्या करता है, उनसे बोलो कि भाई बेड से उठ के पानी की बोतल उठा दो, नहीं उठा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ
ब्रेन सेंटर बिल्कुल रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। यही अल्कोहल के केस में होता है, जो लोगों का वॉकिंग पैटर्न बिगड़ जाता है, ठीक, उनके पाँव नहीं संभलते, गेट पैटर्न गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का रीज़न जो हमारे कंट्रोल को करता है, किसको, वॉकिंग पैटर्न्स को, वही स्लो हो गया, सीनियस को सप्रेस कर दिया, तो आदमी कहाँ से बताओ कंट्रोल कर पाएगा बॉडी को, ठीक। तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी, एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं होगा। कितने मीडियम पाए जाएंगे, दो ही पाए जाएंगे, या तो प्लांट बेस्ड या फिर केमिकल बेस्ड, ठीक। अब देखो एडोलसेंस के बारे में बात करते हैं। एडोलसेंस मतलब यंग एज, ठीक, जब हमारी एज बढ़ी, तो हम क्या होता है, एडोलसेंस ही एक एज ऐसी होती है जिसमें आदमी ज़्यादा प्रोन होता है नशे की तरफ, ठीक। बहुत कम देखा होगा कि कोई बच्चा है 8-10 साल का और सिगरेट पी रहा है, 5 साल का, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ठीक। बट एडोलसेंस एक एज ऐसी से कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एज, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल एज। इस एज में आदमी क्या करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी होती है, ठीक, कि भाई क्या है, लेट्स ट्राई। सोसाइटी में होते हैं, दोस्त होते हैं बहुत सारे, तो एक्सपेरिमेंट को बहुत पसंद करते हैं कि ब्रो लेट्स ट्राई। मतलब कई लोगों की फैंटेसीज होती हैं कि मैंने ना हर तरह के नशे ट्राई कर रखे हैं, मैंने स्मैक कर रखा है, मैंने शीशा कर रखा है, मैंने चरस, गांजा, सिगरेट, अफीम। बट वो एक्सपेरिमेंट कब उनकी लत में बदल जाता है ये उनको नहीं पता होता है, ठीक। तो क्या एक्सपेरिमेंट करना अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, लेकिन नशे का नहीं, बाकी चीज़ों का, ठीक। उसके बाद क्या है, जो कूल बनने के लिए, ठीक, सोसाइटी में एक ट्रेंड आ गया कि कूल बन गए हैं, मींस एडवांस दिखने के लिए क्या करेंगे, नशे करेंगे, सुपीरियर बनने के लिए कि हम लोगों से अलग हैं, हम एक स्टेप आगे हैं, हम समाज से आगे बढ़ गए हैं, हमने नए नए नशे को ट्राई करिए। और बहुत सारे लोग इस भी देखे गए कि जो किसको फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को, ठीक। वेस्ट में ये सब होता है, लेकिन लोग ये नहीं भूल जाते हैं कि जो भी डाइट है, हमारा खाना, हमारा पहनावा, ये इसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। किसका रोल है? ज्योग्राफी का। रशिया है, ठंडी जगह हैं, यहाँ पे लोग बहुत शराब पीते हैं, ठीक, क्योंकि अगर शराब नहीं पियेंगे, उनकी बॉडी गर्म नहीं होगी, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक। जो सऊदी अरब है, ईरान है, वहाँ पे रेगिस्तान है, ठीक, वहाँ पे है ही नहीं क्या नेचुरल रिसोर्स है जिससे वो खाना खा सकें, तो वो क्या करेंगे, तो उनको जो एनिमल दिखेगा उसको वो मारेंगे, उसको वो खा जाएंगे, ठीक। तो ये क्या था, ये ज्योग्राफी का रीज़न था। किसका रीज़न था? ज्योग्राफी का रीज़न था। लोगों को लगा कि अरे यार भाई बाहर वाले खाते हैं, क्यों ना हम भी खाएं, ठीक। इतने रीज़न हमारे क्या थे, एडोलसेंस के। उसके बाद अगर किसी को अनसपोर्ट मिलता, मतलब सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो भी वो क्या करेंगे, नशे की तरफ बढ़ जाएंगे, अरे यार फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक। डिप्रेशन मीन्स फीलिंग ऑफ लो, किसकी फीलिंग, बहुत लो फील करना, अच्छा ना लगना, अकेलापन फील करना, ठीक। फियर यानी कि डर, डर में भी आदमी क्या करेगा, नशा कर लेते हैं या सो जाते हैं, जो क्या परेशान ना हो, ठीक। स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट ब्रोकन समझ लो, मुझे छोड़ के चली गई, ठीक, ये क्या हो गया, हार्ट ब्रोकन। एंजाइटी मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होना, बहुत ज़्यादा थिंक करना, ओवर थिंकिंग करना, ये क्या दिख जाती है, एंजाइटी में। लेकिन अगर कोई आदमी रेगुलर एक्सरसाइज करता है, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करता है, हेल्दी डाइट फॉलो करता है, तो क्या उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, नहीं मिलेंगी देखने को, ठीक, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिनड होगा, सेल्फ डिसिप्लिनड होगा तो इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, एक्सेट्रा। बहुत सारे रीज़न वो भी आते हैं, ठीक है, किसी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, देखो ख़राब काम करो उसके लिए बहाने बहुत सारे हैं, पैसा नहीं था, मजबूरी थी, मम्मी बीमार थी, रीज़न बहुत सारे हैं, ठीक, करने के भी और ना करने के भी। यहाँ तक क्लियर? एडोलसेंस में क्या होता है, एडोलसेंस एज यानी कि कब से कब तक, हमारा एक ऐसी एज जिसमें ना तो हम मैच्योर हैं और ना ही हम क्या हैं, चाइल्ड, इमैच्योर है, यानी कि टीन एज बोल सकते हैं, टीन एज 13 से 19, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, फिजिकल में, वॉइस में, और हार्मोनल लेवल पे आदमी समझ नहीं पाता है और क्या करने लगता है, प्रोन टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक। ये क्या है, अल्कोहल यानी कि शराब, ठीक, क्या है, शराब का अगर सेवन ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, लीवर सिरोसिस, लीवर खराब होने लगेगा। ये क्या है, हेल्दी लीवर, ये क्या है, खराब लीवर, ठीक।
क्या आपको पता है कि अल्कोहल का डाइजेशन स्टमक से ही शुरू हो जाता है? गुड, ठीक। तो वैसे तो कई सारी चीज़ों के सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं डाइजेशन के, बट इसका क्या होता है कि स्टमक से ही शुरू हो जाता है और लीवर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। बट जो आदमी शराब पीता है, ठीक, तो शराब वो अकेले का शराब पीता है, उसके संग क्या क्या पीता है? मुर्गा खाएगा, नॉनवेज खाएगा, बहुत रिफाइंड फूड खाएगा, पकौड़ी, तेल और क्या कहते हैं, चिप्स एंड ऑल, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें खाएगा। तो एक तो लीवर के ऊपर अल्कोहल का तो लोड पड़ा ही पड़ा, किसका? अल्कोहल का। साथ ही साथ अल्कोहल के जो फ्रेंड्स हैं उनका भी लोड क्या पड़ा? लीवर पर पड़ा। तो लीवर क्या होगा? ख़राब होने लग जाएगा। कोलेस्टिसियासिस, बाइल जूस, जो क्या कहते हैं, गॉल ब्लेडर में स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे। बाइल जूस जो है वो, हाँ, उसका क्या कहते हैं, गॉल ब्लेडर का रिमूवल हो जाएगा, ठीक। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि शरीर में इन्वॉल्व होगा। गेट मतलब वॉकिंग पैटर्न कम हो जाएगा, आदमी कैसा लड़खड़ाने लगता है, ठीक, क्योंकि ब्रेन क्या है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? इतना जब कुछ खाएगा तो पेट में जलन, पेट में तकलीफ, ये सारा कुछ होगा कि नहीं होगा, ठीक। पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में छाले पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अल्कोहल को हमेशा डाइल्यूट करते हैं, ठीक भाई, एसिडिक नेचर है ना अल्कलाइन, ठीक। बट जो ज़्यादा नशे का अनुभव, वो क्या कहेगा, नीड पिएगा कि भाई हम पानी वानी नहीं मिलाते, ऐसे ही पीते हैं। तो पेट में दिक्कत आना शुरू होगी कि नहीं होगा? ब्लड में रिस्पॉन्स खराब होगा कि नहीं होगा? ADH जो होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, सारा जितना भी वाटर है बॉडी से वो लॉस होगा कि नहीं होगा? तो क्या किडनी में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इन शॉर्ट फुल बॉडी क्या हो जाएगी? हैम्पर्ड। क्या हो जाएगा? फुल बॉडी, हाँ, फुल बॉडी हैम्पर्ड। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्मोकिंग, टोबैको एडिक्शन, ठीक, टोबैको भी एडिक्शन है, तंबाकू, ठीक। एक तो लोग धुआं जला के लेते हैं, एक क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म ऐसे होठों के नीचे रख लेते हैं, ठीक। ये क्या है? निकोटीन है कि नहीं है? बहुत सारी बीमारियों को साथ लेके आता है। एक कंडीशन पढ़ोगे जब आप पैथोलॉजी पढ़ोगे, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिसऑर्डर, अस्थमा, एम्फिजाइमा, ठीक, बहुत तरह की कंडीशन जिसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा चांसेस किसके रहेंगे? ओरल कैंसर होने के, ठीक। कौन से कैंसर? ओरल कैंसर होने के। अगर वो तंबाकू यानी कि कैसा, सूखा टोबैको अपने मुंह में रख रहा है तो भी क्या ओरल कैंसर में चांस होंगे। बाकी अगर वो स्मोक कर रहा है तो लंग कैंसर, कैंसर तो होकर ही रहेगा हर हाल में। तो ये क्या है बताइए? स्टेरॉइड्स, ठीक, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नशे करने के लिए या पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर मेल करेगा तो उसमें क्या होगा, एग्रेशन बढ़ेगा, ठीक, और चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। मेन चीज़ क्या होगी कि जो भाई टेस्टिस का साइज़ है वो डिक्रीज हो जाएगा, स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाएगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? हाँ, जैसे आप स्टेरॉइड में मान लो अगर टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन बार बार अपने अंदर लगा रहे हो तो बॉडी तो कहेगी कि भाई जब मेरा काम टेस्टोस्टेरोन बनाना है तो मैं क्यों बनाऊँ, ये तो बाहर से ही आ जाता है ना। बट बाहर से ना एक दिन बंद करेगा तो जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो क्या होएगा, फिनिश, इनफर्टिलिटी तरफ प्रोन हो जाएगा, ठीक। फीमेल लेगी तो फीमेल में क्या होगा, ओवरी नुकसान पहुँचाएगी, जो उनके पीरियड्स हैं वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये भी किसी तरह बढ़ जाएंगी इनफर्टिलिटी की तरफ। तो यहाँ तक क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें क्या नाम था, हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, हाँ, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूज़ क्या है, मिसयूज़ क्या है, सही हाथों में है तो यूज़, गलत हाथों में है तो मिसयूज़। दूसरा हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ ड्रग्स, सेडेटिव, ओपिओइड्स और स्टिमुलेंट्स और हेलुसिनेटिंग्स, ठीक। की अट्रैक्टर्स मतलब चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हमने जाना कि भाई मेडिसिन क्या है, हाँ, दवाइयाँ क्या हैं, दवाई को लेते क्यों हैं, सेडेटिव ड्रग्स कौन सी हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स कौन सी हैं, उनका काम क्या है, उनका मिसयूज़ लोग कैसे कर सकते हैं। फिर हमने जाना ओपिओइड्स के बारे में, ओपिओइड्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, ठीक। क्लिनिकल, फिर वाइट हो गया कल की तरह, हाँ, ठीक। कोकीन के बारे में जाना, हाँ, कैनाबिड्स के बारे में जाना, भांग के पत्ते,
एडोलसेंस के बारे में समझा हमने, और हमने क्या जाना, अल्कोहल के बारे में जाना, स्मोकिंग जाना, और फिर स्टेरॉइड्स और उनके इफेक्ट को जाना। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। टोटल हमें लगे 8 लेक्चर, लेकिन ये टॉपिक इतना है, इतना बड़ा है कि इसका कोई अंत ही नहीं। इसके अंदर क्या है, डिजीज़ है, टाइप्स ऑफ डिजीज़ है, ठीक है, डिजीज़ कैसे हो सकती हैं, फंगल डिजीज़, इन्फेक्शस डिजीज़, और क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़, एलिमेंटरी डिजीज़, प्रोटोजोन डिजीज़, न्यूट्रिशनल बेस्ड डिजीज़, इतना हो गया। उसके बाद हमारा क्या था, हाँ, एड्स हो गया, कैंसर हो गया। आज हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ टॉपिक, अल्कोहल एंड सब यूज़। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल डेट आप लोग अपना पूरा ख्याल रखें। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट किया जाएगा अभी कुछ, हाँ, थैंक यू।